क्लीम देव काम देव काम बीज श्रियो मणि श्री गोपालो महीपाल सर्व वेदांग पारग धरणी पाल को धन्य पुंडरीक सनातन गोपतिर भूपति शास्ता प्रहरता विश्व तो मुख ने विश्व को ज्ञान देने वाले विश्व स्वरूप और नटखट क्रिया करने वाले भगवान श्री कृष्ण के 5233वें जन्मदिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यह जन्माष्टमी हम कैसे मनाएं, हमारे ऊपर श्री कृष्ण जी की कैसी कृपा हो और हमारा जीवन कैसे आनंदमय हो, वो मैं आपको उसकी विधि बताता हूँ। क्योंकि इस वर्ष बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार के दिन, सबसे प्रिय दिन है शुक्रवार माँ लक्ष्मी का। शुक्रवार के दिन वो प्रतीका नक्षत्र में ध्रुव योग में जन्माष्टमी पड़ रही है, जो कि श्रेष्ठ योग है। इस बार भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए, नटखट गोपाल की कृपा पाने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री के भोग के साथ साथ आप जो धनिया आता है, धनिया में घी और शक्कर का नैवेद्य बनाकर तुलसी डल डालकर भगवान का उसमें नैवेद्य अर्पण करें, तथा जिन लोगों को संतान के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और संतान में सफलता न मिल रही है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि इस बार शुक्रवार, शुक्र बृहस्पति संतान के कारक ग्रह होते हैं, शुक्रवार और कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, जो कि मूल त्रिकोण सिंह राशि में सूर्य रहेंगे, तो स्थिर राशि में सूर्य का स्थापित होना और शुक्रवार के दिन होना, तो शुक्र संतान के कारकत्व और सूर्य पुत्र कारक ग्रह होने से इस बार जिन्हें बहुत समय से संतान में सफलता नहीं मिल रही हो, वो भगवान श्री कृष्ण का एक उपाय छोटा सा कहता हूँ, आप उसे निश्चित रूप से करिएगा। उस दिन व्रत रहकर रात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, रात्रि 12 बजे भगवान का स्नान कराकर उन्हें केसर और दूध से स्नान करावे और माखन मिश्री और धनिया का भोग लगाकर फिर गोपाल सहस्र नाम का पाठ, एक पाठ करिएगा, उसमें संपुट लगाइएगा आप संतान गोपाल मंत्र का। ओम क्लीम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे दन तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गत क्लीम ओम। इस मंत्र का, ये महामंत्र, इस मंत्र का आप गोपाल सहस्र नाम में संपुट लगाइए और पूरा पाठ करिएगा, आपको निश्चित भगवान की कृपा से आने वाले जन्माष्टमी तक सुंदर सुशील प्रचंड विद्वान संतान की निश्चित ही प्राप्ति होगी। सभी को एक बार पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।